हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं काफ़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पास जो है काफ़ी सारे जो है कैलकुलेटर्स। तो दोस्तों कैलकुलेटर जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए या तो फिर बिजनेस के अंदर जो है कैलकुलेशन करने के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, साइंस वाले बच्चों के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे आज हमारे पास जो है बेसिक जो कैलकुलेटर्स जो रहते हैं उसके अंदर अलग अलग मॉडल्स हैं दोस्तों। तो इसको जो है आप क्या बोलते हैं फर्स्ट कॉपी कैलकुलेटर्स भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा सा बड़ा वाला भी कैलकुलेटर अवेलेबल है दोस्तों। और तो ये सभी के सभी जो है ना दोस्तों बजटेड कैलकुलेटर्स है। तो ये जैसे कि है ये वाला कैलकुलेटर, ये 120 का है, ये 150 का है, और ये भी 150 का है, ये भी 150 का है, और ये जो है 300 रुपये का आपको मिल जाता है इंटरनेट पे या तो लोकल मार्केट में। तो ये जो है ये सभी के सभी जो है 512 जो कैलकुलेटर्स आते हैं ऑर्पेट के अंदर, और क्या बोलते हैं कि केशियो के अंदर तो 512 नहीं आता है, बट उसके अलावा कौन सी कंपनी है, ऑर्पेट है, ओरेवा है, ऐसी अलग अलग कंपनियों के अंदर 512 का एक सीरीज जो बेसिकली बेसिक कैलकुलेटर माना जाता है, सस्ता कैलकुलेटर माना जाता है। तो ये जो है उसकी फर्स्ट कॉपी है। तो इसमें नॉर्मल स्विचेज है, इसमें ट्रांसपेरेंट जो है स्विचेज आती है। तो चलिए बारी बारी करके सबको खोल के देखते हैं। तो दोस्तों इसकी जो है बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये पहला वाला हमारा कैलकुलेटर है, और यहाँ पे ये सोलर पैनल है, बट ये दिखाने के लिए ही है कि ओरिजिनल में ये वर्किंग होती है, ये फर्स्ट कॉपी है तो इसमें वर्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है आप इस तरीके से जो है अलग अलग जो है टाइप कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप जो है क्या बोलते हैं कि करेक्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं बेसिकली, है ना। फिर यहाँ पे जैसे कि 1+3+5+4+6 ऐसा करके फिर आप चेक कर सकते हैं क्या क्या आपने जो है टाइप किया था। तो इसको चेक बोलते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक जो फंक्शन है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसके अंदर GST टैक्स का कैलकुलेशन करने के सेपरेट बटन्स जो है नहीं आते हैं, और यहाँ पे आपको जो है चेक का ऑटो प्ले का भी फंक्शनैलिटी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सब फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है 120 रुपये का है, और उसके बाद जो है दोस्तों आ जाता है हमारा ये ऑर्बिट कंपनी का जो है 512 कैलकुलेटर। तो इसके अंदर भी जो है ऑटो रिप्ले करेक्ट चेक जो है आपको लेफ्ट राइट मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे चेक जो है एक डायरेक्शन में ही है, इसमें दोनों डायरेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी जो है वर्किंग नहीं है सोलर पैनल। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है आप टाइप कर सकते हैं दोस्तों, 5 × 6 + 8 − 9 = फिर यहाँ पे जो है आप क्या बोलते हैं कि ऑटो रिप्ले कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। तो इस तरीके से ये जो है कैलकुलेटर काम करता है। उसके बाद जो है दोस्तों हमारे पास ये वाला कैलकुलेटर है, ये सबसे ज़्यादा बिकता है दोस्तों, और गर्ल्स को जो है ये काफ़ी पसंद आता है क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की ट्रांसपेरेंट जो है कीज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप करेंगे तो इसमें भी सोलर पैनल वर्किंग नहीं है, इसमें करेक्ट है, चेक है, इसमें ऑटो रिप्ले है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 7 0 ओके +3 × 6 एंड डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ऑटो रिप्ले कर लेंगे। तो अभी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम कैलकुलेटर की जो है सब बेसिक कैसे क्या क्या फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो करेंगे। फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको यहाँ से, है ना, और इससे आप करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपने कोई गलती कर दी है। तो बेसिक फीचर हो गए, और इसका ही जो है ब्लैक वर्जन है ये भी बहुत ही मार्केट में चलता है। तो ये भी जो है इसका सोलर पैनल भी ये वर्किंग नहीं होता है, यहाँ पे भी जो है इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं और ऑटो रिप्ले कर सकते हैं, है ना, और उसके बाद करेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये बेसिक फीचर्स जो है, यहाँ पे आपको जो है स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, क्यूब रूट वगैरह इसमें नहीं होता, तो उसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। तो ये जो है लास्ट वाला हम देख लेते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना है और बड़ी स्विच वाला कैलकुलेटर चाहिए। ज़्यादातर ये बिजनेसमैन लोग लेते हैं, उसके अलावा जो है कॉमर्स के बच्चे भी लेते हैं क्योंकि उनको फास्ट फास्ट जो है कैलकुलेशन करना होता है, तो थोड़ा सा बड़ी स्पेस में हो तो मज़ा आता है।
इसमें भी ये सोलर पैनल जो है वर्किंग नहीं होता है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं, है ना, और इंटू 5 डिवाइड बाई 9 यहाँ पे ऑटो रिप्ले जो है उसको हम देख लेते हैं। ये ऑटो रिप्ले है, फिर ये चेक आप कर सकते हैं, चेक दोनों डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है करेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। करेक्ट का बटन इसमें वर्किंग नहीं है। तो ये दोस्तों इस तरीके की दिक्कतें लोगों को दोस्तों आती रहती है ये कैलकुलेटर्स के अंदर। ओके, करेक्ट का बटन यहाँ पर है, बट ये जो है यहाँ से काम कर रहा है। अब ये बटन क्या है मुझे देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई थिंक इसके अंदर जो है ना AAA बैटरी लगती होगी। तो वो भी है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये वाले जो कैलकुलेटर है उसमें कैसे जो है आप बैटरी बदल सकते हैं, वो वाला भी एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसकी मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं AAA बैटरी है, तो काफ़ी बड़ा है, तो इसको पावर भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, बटन सेल से इसका काम नहीं होगा, इसलिए मोटी बैटरी है। तो यहाँ पे आप इसका लुक देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। तो ऐसा कैशियो में आप लेने जाएंगे तो 1000 रुपये के आसपास में कैलकुलेटर पड़ता है, बट ये जो है 300 रुपये में ही आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगा होगा, तो इसको ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, और आपके पैसे बचाइए और अपने पढ़ाई को भी जो है अच्छे से करिए दोस्तों। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के अंदर लेके जाने के लिए भी इस तरीके के कैलकुलेटर टेम्पररी बेसिस पे लेते हैं, और पूरे साल जो है यूज़ करने के लिए थोड़ा सा महंगा वाला ओरिजिनल कैलकुलेटर लेते हैं दोस्तों। वो थोड़ा सा 600 रुपये 700 रुपये के आसपास में पड़ता है, 400 रुपये का केशियो का है, या तो फिर और भी कंपनियाँ हैं ओरेवा का, तो वो जो है कम लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि उनका पैसा ज़्यादा लगता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।